हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने 3 बंच स्पिनच या पालक लिया है, उसको अच्छे से वाश करके अच्छे से काट लिया है। अब एक पॉट में वाटर लेंगे, उसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। वाटर बॉयल हो गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून शुगर, 2 ग्रीन चिली, 10 पीस कैशू या काजू डालेंगे। अब इसमें वॉश की हुई स्पिनच या पालक डालेंगे। अब इसमें 1 होल टोमेटो डालेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब गैस बंद करेंगे और इसे ठंडे पानी में निकालेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में रहने देंगे। 200 ग्राम पनीर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/4 टीस्पून टर्मरिक या हल्दी, ये ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे भी 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। टोमेटो को जो हमने बॉईल किया था, अब इसको पील करेंगे। ये देखें, पील कर दिया है। अब इसके पीसीस करेंगे। अब इसे मिक्सी जार में डालकर इसकी प्योरी बनाएंगे। ये देखें, प्योरी बना ली है। इसी तरह हम स्पिनच, ग्रीन चिली और कैशू नट की प्योरी बना लेंगे। अब इसकी प्योरी बनाएंगे। ये देखें इस तरह से। अब एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे, उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। अब इसे मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम पनीर फ्राई करेंगे। पनीर फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकालेंगे। अब इसी ऑयल में 1/2 टीस्पून क्यूमन सीड डालेंगे। अब इसमें 1 चॉप्ड ऑनियन डालेंगे। अब इसे चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब इसमें 2 ग्रीन चिली, 1 टीस्पून रेड चिली डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें जो टमेटो प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और चलाते जाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़े। ये देखें, अच्छे से पक गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो स्पिनच प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे।
अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हाफ ग्लास वाटर डालेंगे। अब इसे अच्छे से चलाएंगे और कवर करके इसको पकने के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखें अच्छे से पक गई है। अब इसमें जो हमने पनीर फ्राई किया था वो डालेंगे। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखें अब ये रेडी है। गैस बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। आपको पालक पनीर की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।